हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साहब के मैम। मेरा नाम साहब अलम, आप देख रहे हैं साहब अलम लाइव चैनल को। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे को बताऊंगा कि किसी भी प्लेयर का आप बैटिंग स्किल और बॉलिंग स्किल को आप बढ़ा कैसे सकते हैं। ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आप बैटिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं और बॉलिंग स्किल को भी बढ़ा सकते हैं। कोई भी हो, चाहे वो हमारा बॉलर ही क्यों ना हो और वो हमारा बैट्समैन ही क्यों ना हो, सभी का मैं एक लेवल बढ़ा दूंगा मैं, तो वो एक ऑलराउंडर बन जाएगा। सभी को आप एक एक करके अब बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा सकते हो आप एक एक करके सबको आप बढ़ा सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह किसी भी बॉलर को आप बैट्समैन बना सकते हैं और किसी भी बैट्समैन को बॉलर एंड बैट्समैन तो है ही, तो वो ऑलराउंडर बन सकता है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आप मैच जीतने में कामयाब होंगे, कोई भी मैच आप हारेंगे नहीं। तो ये सब में बहुत फ़ायदेमंद है। और टेस्ट में तो आपको 100 मिलेगा, पर यार 20-20 मैच जब खेलोगे या ODI खेलोगे तो यार आपको 85 से ज़्यादा स्किल आप किसी का नहीं बना सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि विराट कोहली का भी बैटिंग स्किल देख सकते हो 84.90 है एंड बॉलिंग स्किल 30 है। तो यार मैं इसी को पहले बढ़ाऊँगा, तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे फाइल जिससे मैं एडिट करके बताऊँगा किस तरह बढ़ते हैं स्किल। तो ये फाइल एक्सप्लोरर को मैं ओपन करता हूँ, तो इससे मैं कल पॉज करता हूँ। हाँ दोस्तों, तो हम लोग ये फाइल एक्सप्लोरर पे आ चुके हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है यहाँ, बहुत ईजी स्टेप है। जैसा कि मैंने आपको कस्टमाइज के लिए बताया था ना, सेम वही स्टेप पे आपको करना है। पेज डॉट पे क्लिक करना है आपको और स्क्रॉल डाउन करके आप 100 हिडन फाइल्स को ओपन कर लेंगे आप। एंड इंटरनल पे आपको जाना है, एंड्रॉइड पे आपको जाना है, डाटा पे आपको जाना है और हम स्क्रॉल डाउन करके WCDC को खोल लेंगे एंड फाइल्स को खोल लेंगे। तो यार यहाँ देख सकते हो हमारा इंडियन स्क्वाड डाटा। तो इस पे हम क्लिक करेंगे एंड एडिट पे क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट क्लिक करके ES नोट एडिटर थर्ड नंबर पे आपको क्लिक करना है। ये थर्ड नंबर है, तो यहाँ आप पहले अपना जिसे भी एडिट करना है ना उसको आपको ढूंढ लेना है। उसके बाद क्या करना है, विराट कोहली को मेरे को करना है और यहाँ एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना आपको। तो मैं विराट कोहली को ढूंढ लेता हूँ यहाँ से। तो यार विराट कोहली आप कहाँ हो, विराट कोहली हाँ। तो दोस्तों, मेरे को विराट कोहली मिल चुका है और ये आपका बैटिंग स्किल, मैं कैसे चेंज करता हूँ ये आप देख सकते हो। बैटिंग स्किल मेरा आप मैक्सिमम 90 कर दोगे ना, 99 भी कर दोगे तो आपको ज़्यादा ही वो नहीं बढ़ेगा। तो मैं बैटिंग एवरेज को आप चेंज कर दो ना है आपको। बैटिंग एवरेज का क्या करना है आपको, 99 कर देना है, ओके। एंड बॉलिंग भी एवरेज को कर दोगे तो वह बॉलिंग भी कर सकता है आपका लिए, वो आपके लिए बॉलिंग भी करेगा। अब बॉलिंग एवरेज उसका एवरेज ही स्किल है ब्रो, इसलिए उसे भी आप 99 कर देना, ठीक है। तो अब आपको यहाँ सेव को बटन पे क्लिक कर देना है और सेव हो चुका है। इसी तरह आप बैक हो जाएंगे, एक एक तो बैक होना है आपको और यहाँ वापस आकर फिर वो 100 हिडन को वो कर देना आपको बैक, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलता हूँ WCG 2 के पेज पर। तो हाँ दोस्तों, अब दिखाता हूँ मैं यूज का कितना स्किल हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो ब्रो, मैंने 99 किया था, तो मैं ये अभी T20 खोल के हूँ। तो 99 का मतलब T20 में कोई भी बैट्समैन का 100 या 99 नहीं हो पाता है, इसीलिए 85 पे वो अटक सकता है। तो आप देख सकते हैं विराट कोहली का बैटिंग एंड बॉलिंग स्किल 85 हो चुका है। तो आपको अगर किसी भी बॉलर को भी एक करके मैं दिखा देता हूँ, तो एक बॉलर आप हम यहाँ से चुन लेंगे, वो बॉलर कौन होगा
हमारा वो जस्ट भुवनेश्वर कुमार होगा। तो भुवनेश्वर कुमार को मैं देख लेता हूँ, देख सकते हो बॉलिंग आप देख सकते हो 72 है एंड बैटिंग 52 है। तो चलो मैं ये स्पाइल पे मिलता हूँ आपसे। तो फिर से मैं ये स्पाइल पे आ चुका हूँ, सेम वही स्टेप आपको करना है और हिडन फाइल्स को ओपन कर लेना। आपको इंटरनल में आपको जाना है, एंड्रॉयड में जाना है एंड डेटा में जाना है और स्क्रॉल डाउन करके आप पहुंच जाओगे WCG में। एंड फाइल्स में भी जाना है आपको, इंडियन स्क्वायर में जाकर आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट एडिटर। अब यहाँ टेक्स्ट एडिटर में खोज लेना है आपको कि मेरा वो बॉलर है कहाँ। तो ये बॉलर का नाम आपको लिखा होगा तो आप मैंने धोनी है तो आप बॉलर को यहाँ मैं खोज ले रहा हूँ। ये बॉलिंग एक्शन है, चहल है और ये क्या मोहम्मद शमी एंड बुमराह के बोले क्या भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार मेरे को मिल चुका है यहाँ पे, तो मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और भुवनेश्वर कुमार का बैटिंग एवरेज को दिखाता हूँ। तो यारा बैटिंग एवरेज मैं दिखाऊंगा, इसका बैटिंग एवरेज को भी मैं देख सकते हो। सभी को काट के आपको क्या करना है, 9-9 कर देना है और बॉलिंग एवरेज को तो 22 है ही, 22 पर कुछ कुछ पॉइंट दे के रखा है। आप एडिट यहाँ से कर लोगे और इसमें आपको 9-9 कर देना है एंड आप इसमें ओके। तो ये आप करने के बाद आप सेव बटन यहाँ पे होगा, सेव कर देंगे आप और उसी तरह बैक हो जाओगे। बैक होते ही आपको यहाँ से सेम वही प्रोसेस ऑफ कर देना है यहाँ। अब चलो आपको मिलता हूँ मैं WCC के पेज पर। हाँ तो हम लोग आ चुके हैं WCC के पेज पे और देख सकते हो मैंने जिस किसको किया था स्किल को बढ़ाया था, बुमराह का स्किल को मैंने बढ़ाया था, सॉरी भुवनेश्वर कुमार का मैंने बढ़ाया था। तो एडिट पे क्लिक करोगे आप तो आपको दिख रहा होगा यहाँ बैटिंग स्किल बढ़ चुका है जो कि 30 के करीब था, अब वो 85 पे आ चुका है एंड बॉलिंग स्किल भी 85 हो चुका है जो कि 72 था। तो आप मैं देख सकते हो ये किस तरह आप किसी भी बॉल कोई भी चीज़ हो, कोई भी बॉलर बैट्समैन सबको आप एक ऑलराउंडर बना सकते हो। तो ये ट्रिक, तो यार आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो यार ज़रूर से ज़रूर लाइक करना हमारे चैनल को, अगर नए आए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स से ये ट्रिक, अगर सबको पता चले तो ऐसे भी ये गेम्स को अच्छे से खेल सकते हैं। तो ये मिलते हैं अगले वीडियो में, लेट्स बाय।